21 जून के दिन सूर्य जो है लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर, और 12 घंटे से अधिक का समय आपका सबसे बड़ा दिन है और हमारे लिए सबसे बड़ा खास है उत्तरी गोलार्ध में। साथ ही भारत के लिए ये सबसे खास इसलिए क्योंकि इस दिन अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के तौर पर भारत के सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट कल्चर और भारत का एक बहुत बड़ा जो है पूरे विश्व को देन कह सकते हैं योगा, उसको लेकर के इसको इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्या योगा केवल 21 जून के लिए ही है? क्या 21 जून को ही योगा दिवस मना करके हम लोग बस फोटो क्लिक किया, फेसबुक में डाल दिया सबने जो है? योगा एक आदत है, एक हैबिट है। देखिए एक चीज समझिए, पूरे जीवन आपको कमाना है, ठीक है, पूरे जीवन आपको कमाना है और बुढ़ापे में सब कुछ गंवा देना है। यदि आप अच्छा स्वस्थ जीवन नहीं जीते तो आपको अच्छा और स्वस्थ जीवन जीना है, और अच्छा और स्वस्थ जीवन आप कब जी पाएंगे? जब आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? लाइफ स्टाइल कैसे अच्छा होगा? जब आपकी एक अच्छी दिनचर्या होगी। यदि आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा प्रमोट करता हूं कि जल्दी जगिए, सुबह के टाइम को एंजॉय करिए। सुबह अमृत बट रहा होता है प्रकृति में, और अपनी दिनचर्या में सुबह उठ करके आप थोड़ा सा प्रकृति के सानिध्य में जाइए, हरी घास हो तो उसमें टहलिए, थोड़ा योगा करिए, मन को शांत करिए, आपका फोकस बढ़ेगा। आपके शरीर के पंच तत्वों की पूर्ति सुबह ही हो सकती है, प्रातः ही हो सकती है। तो आप सभी लोग योगा को सिर्फ योगा दिवस 21 जून तक सीमित ना रखें। 21 जून तो हम सबके लिए गर्व का विषय है क्योंकि योगा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। भारत ही नहीं, विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अब बन चुकी है, पूरा विश्व इसे अपना रहा है। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना है, अच्छा भोजन, अच्छा खान पान और एक अच्छी दिनचर्या, वो योगा से ही आएगी। आपका ध्यान नहीं लग रहा, आपको आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं, मोबाइल पे रात को रात भर लगे रहते हैं, 3 बजे 4 बजे छूटता है हाथ से मोबाइल, फोकस नहीं लग रहा, पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा, अवसादग्रस्त हो गए, रिश्ते खराब हो रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि सब कुछ अस्त व्यस्त ही चल रहा है। जब सब कुछ अस्त व्यस्त चलेगा तो फिर सब अस्त व्यस्त हो गई। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जीवन को बहुत ऊर्जान्वित बनाइए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपकी लाइफ में, और वो कब आएगी? जब आपकी दिनचर्या अच्छा होगा। और दिनचर्या के लिए कुछ नहीं करना है, सुबह जल्दी जगना है। रात में कितने बजे भी सोइए आप, लेकिन जगिए एक फिक्स टाइम पे, 5 बजे जगिए। मैं तो 5:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूं, और मेरा करंट अफेयर्स की क्लास लेने के पीछे का कारण यही है कि आपको मैं एक अच्छी आदत दे पाऊं, एक शिक्षक के तौर पे मैं आपको एक गिफ्ट कर सकूं अच्छी आदत। क्योंकि आप करंट अफेयर्स के चक्कर में कम से कम जगेंगे तो सही, करंट अफेयर्स एक सबसे मेजर सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम आप जगेंगे तो सही। वहां पे मैं इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाता हूं, लेकिन उसके दो उद्देश्य हैं, ताकि आपका करंट अफेयर्स भी हो जाए और 5:30 बजे आप करंट अफेयर्स की क्लास करके सीधा चले जाएं कहां पे? टहलने चले जाएं, थोड़ी देर हरी घास में टहलें, थोड़ी देर प्रकृति के सानिध्य पे बैठें। कोई जरूरी नहीं कि बहुत हाईवी एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ अपने दिमाग को शांत करना है। यूट्यूब में आज के टाइम पे हजारों वीडियो हैं, भ्रामरी जो है आपका प्राणायाम होता है, योगा होता है, बहुत सारे आसनों के वीडियो हैं, कुछ देखिए, करिए, बॉडी को स्ट्रेच करिए। बैठे बैठे मोटापा बढ़ रहा है, फिर एक समय ऐसा आएगा शरीर टूटने लग जाएगा, कमर की हड्डी झुक जाएगी, कमर की हड्डी पे कमर पे दर्द चालू हो जाएगा, सर्वाइकल पेन हो जाएगा, अवसाद में बैठे रहोगे। इसलिए अच्छी और बेहतर आदत विकसित करनी है। इसलिए कल से 21 जून से जो लोग योगा करते आ रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं उन्हीं को देता हूं जो योगा करेंगे। जो नहीं कर रहे हैं, कल एक अच्छा दिन है, कल एक सकारात्मक दिन है, कल एक बहुत बेहतरीन दिन है, कल एक बहुत अच्छा स्टेप लेने का दिन है। 21 जून का दिन आप सभी को अपने आप को एक अच्छी आदत गिफ्ट करने का दिन है, इसलिए इस दिन का इंपॉर्टेंट है। योगा हमें करना है पूरे साल भर, योगा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है। सोना तो नहीं भूलते, खाना तो नहीं भूलते, सांस लेना तो नहीं भूलते, उसमें तो कोई किसी तरीके का प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, उसको तो आप नहीं टालते। खाना खाना टाल देते हो क्या? सोना टाल देते हो क्या? दैनिक क्रियाकलाप टाल देते हो क्या? वो तो डेली कर रहे हो, तो इसको भी 10 मिनट ही सही पर करो। अच्छा, आसपास पार्क नहीं है, घर में बालकनी तो होगी, बालकनी नहीं है छत तो होगी, कुछ तो होगा आपके आसपास, खुले वातावरण में जाना है। आप क्या करते हो? घर पे बेड में सड़ रहे होते हो,
सड़ रहे होते, बाहर अमृत बह रहा होता है और अंदर सड़ रहे हो, वही दूषित ऑक्सीजन है आसपास की, उसी में सड़ रहे हो। बाहर जाइए, पेड़ पौधों के साथ बैठिए, मतलब अलग ही आपको एनर्जी मिलेगी। और ज्यादा नहीं, 15 दिन करके देख लो, हरी घास में टहलकर गर्मियों के टाइम में 15 दिन देख लो, शरीर की पूरी गर्मी खत्म हो जाएगी, फोकस बढ़ जाएगा, चेहरे का तेज बढ़ जाएगा, चेहरे में अलग चमक आ जाएगी और बुढ़ापे में पूरा पैसा बचेगा आपका। नहीं तो ये इंश्योरेंस कंपनियां वाली, एक तो इंश्योरेंस के चक्कर में आपसे पैसे ले जाएंगे, है ना, इंश्योरेंस करवाओगे बाद में हेल्थ इंश्योरेंस, और इसके बाद लास्ट में आपके जीवन में क्या आएगा, डॉक्टर बढ़िया खोलेगा आपको, शरीर खोल के रख देता है डॉक्टर, है ना, किडनी में पथरी हो गई, पथरी निकाल के दे देगा, लो भैया रख लो, है ना, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, पता चला हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन में ट्यूमर आ गया, ये आ गया, सब कुछ योगा में पावर है, योगा सब कुछ खत्म कर सकता है। इसलिए जीवन में अच्छी आदतों को अपनाओ, सब कुछ छूट जाएगा, बुरी आदतें धीरे धीरे आपसे चली जाएंगी, आपको अच्छी नींद आने लग जाएगी। लोगों को नींद नहीं आ रही आजकल, बच्चा कितने साल का है, 10 साल का, कह रहा है मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही, मोबाइल जीवा जीवन का अंग बना हुआ, सुबह सोना है, सुबह लोग 11 बजे सो के उठते हैं, मुझे इतना आश्चर्य होता है कि अरे क्या जीवन जी रहे हो। कल से प्रण करो 5 बजे जगोगे, इससे पहले जगते बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 बजे जग ही जाओ, ठीक है। 3 जुलाई से मेरी क्लास चालू हो रही करंट अफेयर्स की, फिर से अगेन, अभी बीच में मैं गैप दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि अभी तक जो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। 5:30 बजे से मेरी जितने भी इंटायर वीडियो हैं, सारे इंटायर वीडियो आपको पढ़ना है इस बीच में, ठीक है। इंटायर वीडियो 10-10 घंटे के हैं वैसे, पर उससे 2 साल का करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। इंटायर वीडियो देख डालो अभी। 3 जुलाई से अगेन मैं आपकी क्लास चालू कर रहा हूं करंट अफेयर्स की, नए सिरे से बहुत एनर्जी के साथ, ठीक है। सुबह 5 बजे जगना है, 5:30 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास लो, और इसके तुरंत बाद प्रकृति के सानिध्य में चले जाना 1 घंटे, वहीं पढ़ो, वहीं किताबें ले जाओ। अब ये नहीं कि बिस्तर में फिर दुबक के सो गए, कोई फायदा नहीं है इंटरनेशनल योगा डे मनाने का, आपको कोई अधिकार नहीं, कोई हक भी नहीं है, ठीक है। तो योगा सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं करना है, योगा इसलिए करना है ताकि आप अपने जीवन का अंग बना सको। और मैं आपको कौन होता हूं समझाने वाला, मैं पिछले 10 साल हो गए होंगे मुझे लगता है, 10 साल से ज्यादा समय भी हो गया होगा, कंटिन्यूअस एक फिक्स दिनचर्या है, 4 बजे जगता हूं, ठीक है, 5:30 बजे तो मेरी क्लास ही होती है, 4 बजे जगता हूं, 1.5 घंटे का पहले आधे 1 घंटे पढ़ता हूं, ठीक है, मैं भी पढ़ता हूं, आपको पढ़ाना है तो मुझे अपडेट रहना पड़ेगा, सुबह मैं करंट ही पहले क्लियर करता हूं, ठीक है, डेली का अपडेशन जो है PDF आ जाती है आपके न्यूज़पेपर वगैरह की, मैं सुबह सुबह एक बार जरूर देखता हूं कि क्या घटनाक्रम हुआ, ठीक है। ब्रश करने से ज्यादा भी जरूरी मैं न्यूज़पेपर पढ़ना समझता हूं, ठीक है, और या करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन है उसे पढ़ा, फिर आकर के आपकी क्लास लेता हूं। क्लास लेने के बाद 5:30 बजे क्लास के बाद मैं पार्क में ही मिलूंगा आपको, योगा में ही मिलूंगा, कई बार तो बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं इस भी आप में आपको कह रहा हूं क्योंकि आप भी जो है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। गर्मी का समाधान भी योगा ही है, ठीक है, योगा हर चीज का समाधान है। अब नेचर में गर्मी क्यों है, क्योंकि पेड़ पौधे काट डाले गए हैं, अब सब भैया एसी वाले हो गए हैं, तो एसी के कारण से जितनी गर्मी है सब प्रकृति में छोड़ रहे हैं, पेड़ पौधे लगाना नहीं है हमें। धीरे धीरे अभी टेम्परेचर, अभी यहां 53 डिग्री दिल्ली में गया था, 56 डिग्री नागपुर में गया था, 60 डिग्री में जला देंगे लोगों को, देखिएगा आने वाले 5 साल बाद क्या फ्यूचर मिलता है यदि पेड़ नहीं लगाए गए तो। इसलिए जरूरी है, कल योगा दिवस है, एक एक पेड़ भी लगाइए आप लोग, ठीक है, पेड़ भी लगाइए और जीवन में योगा को अपना एक, हाँ, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसा जो है आपका यौगिक प्रक्रिया है कि समझिए सूर्य नमस्कार में सारे योगा आ जाते हैं, सारे सारे स्टेप हैं। सूर्य नमस्कार 10 बार कर लीजिए, नहीं आता यूट्यूब में सीखिए, इतने सारे लोग सिखा रहे हैं, सिखाने के लिए पूरी दुनिया बैठी हुई है आपको। तो आप सभी लोगों को एक बार मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल का दिन एक नई आदत के लिए आप लोगों को रखना है और गौरवान्वित महसूस करना है। भारत का एक सॉफ्ट कल्चर, एक ऐसी धरोहर, एलोपैथ ने, आपने देखा ना, एलोपैथ के चक्कर में जो फंस गया ना, डॉक्टर कुछ नहीं, शरीर खोल के आपको दे देते हैं, बीमारी पकड़ा देंगे, ये लो भैया ये बीमारी थी, ये रहा ट्यूमर, पकड़ो अपने हाथ में। पर योगा के अंदर सुपर पावर है जो आपको पूरी तरीके से जड़ से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। इसलिए योगा को अपनी आदत बनाइए, अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए, डीप ब्रीदिंग का महत्व तो समझिए, और ये सब कुछ धीरे धीरे आपको आने लग जाएगा, बस एक बार आप इसको अपने अंग के तौर पे अपना लीजिए, ठीक है।
तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आजाद आईएएस एकेडमी के पूरे परिवार को। आप सभी लोग अच्छे से एक नई आदत के साथ जुड़िए और अपने स्वास्थ्य को बचाइए। स्वास्थ्य से बड़ी पूंजी कुछ भी नहीं है, है ना। जीवन में देखिए एक चीज बताऊं, आज आप लोग तैयारी कर रहे हैं आईएएस और पीसीएस बनने के लिए, मैं कह रहा हूं जीवन ही नहीं रहा तब। कोई मृत व्यक्ति बैठा पड़ा हो और उसके कान में आके कहा जाए कि भैया आपको आईएएस और पीसीएस बनाया जा रहा है, आपको चीफ कमिश्नर बनाया जा रहा है, आपको कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, उठ के खड़ा हो जाएगा, वो वहीं पड़ा रहेगा, है ना। किसी व्यक्ति के पास कान में जाके बोलो मेरे पास 10 करोड़ रुपए है तुम्हारे देने के लिए, उठ के खड़ा हो जाएगा? कभी नहीं खड़ा होगा। किसी व्यक्ति के पास चले जाओ, कह दो भैया मेरे पास एक बड़ी सी कोठी है, हवेली है तुम्हारे लिए, खड़ा हो जाएगा? अरे कहीं साम्राज्य भी दे दोगे तो नहीं खड़ा हो जाएगा, प्रधानमंत्री की पोस्ट भी दे दोगे तो नहीं खड़ा होगा। खड़ा किस चीज से होगा? जीवन से, लाइफ से, जो आपके पास अभी है। इसलिए इसका महत्व समझो, इस जीवन का महत्व समझो, इस लाइफ का महत्व समझो। जीवन ही सब कुछ है और जिंदा रहोगे तभी तो आईएएस बनोगे, जिंदा रहोगे तभी तो इसका आनंद ले पाओगे। रूढ़ शरीर का कोई आनंद नहीं है, पैसा सड़ रहा है जिनके शरीर बीमार है। अस्पतालों में जाइए डर जाएंगे, कल 21 जून है एक बार अस्पताल में घूम के आना, पता चलेगा आपको। डरावना जीवन है, किसी का एक हाथ पैरालाइज हो गया है, किसी के दिमाग में प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को मधुमेह हो गया है, पेनक्रियास गड़बड़ा गए, सब इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं। इसलिए जीवन को बचाइए और लाइफ को बचाने का सबसे बड़ा और सबसे सरल और सबसे आसान रास्ता आपका योगा है। एक अच्छी दिनचर्या, सुबह जल्दी जगना, सुबह जल्दी जगने से अग्नि तत्व मिलता है सूर्य के प्रकाश से, ध्यान से समझिएगा। वायु तत्व मिलता है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है सुबह सुबह, प्यूरिफाइड ऑक्सीजन मिलती है, वो सुबह मिलता है आपको सुबह के वातावरण में, ठीक है। वायु तत्व की पूर्ति होती है, अग्नि तत्व की पूर्ति होती है, और यदि आप हरी घास में चलेंगे तो आपके जल तत्व की पूर्ति होती है, ठीक है, शरीर में। इसके बाद मिट्टी में चलेंगे पृथ्वी तत्व की पूर्ति होती है, और आसमान में तो आप पूरा कार्य खुले आसमान में रहते ही है, गगन तत्व आकाश तत्व की, पंच तत्वों की पूर्ति सुबह प्रातः ही संभव है। आज के टाइम पे बच्चों से बात करो विटामिन डी नहीं है, अरे भैया सूर्य के प्रकाश में बैठोगे तो आपसे मिलेगा ना विटामिन डी। अब आज के टाइम पे शहरों में क्या घोंसले बन गए हैं, घोंसले बन गए ऐसे ऐसे घोंसले जहां सूर्य मर के भी नहीं पहुंच सकता है, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तो इसलिए कल जो है आप लोग अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को सेलिब्रेट करिए, मस्त होकर के रहिए, और आप सभी का जो है मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, आपका संस्थान आप सभी के साथ है, मैं सदैव आपके साथ हूं। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक अच्छी आदत अपने आप को गिफ्ट करिए, योगा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। धन्यवाद।